वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पिंदूजौल और वर्ल्ड वाइड स्कोप पिंड घोड़का जौल फार्म विखे अज एक बहुत बड़े जिहड़े समागम आ उह लीके जा रहे आ। धीआं दे विआह, जिवें पता वी धी घरों तोरनी आ, मापिआं दा बहुत वड्डा इक जिहड़ा आ सुपना भी हुंदा आ ते सिर दा कर्ज भी हुंदा, भार भी हुंदा कि असीं अपनी धीआं नूं उहनां दा विआह करके एक योग वर चो टोल के लभ के उहनां नूं उहनां दे जिहड़े आ सहुरा परिवार विच भेजणा एक बहुत वड्डा जिहड़ा ये मापिआं दे सिर दा बोझ हुंदा आ। पर यह वर्ल्ड वाइड स्कोप जिहड़ी संस्था हैगी आ हर साल उहनां लोड़वंद परिवारां दी हैल्प करदी आ, सहायता करदी आ, जो कि बहुत सारे कारणा करके अपने धीआं दे विआह जिहड़े आ आप करन तों असमर्थ हुंदे हैगे आ। तो ये अज बहुत वड्डे जिहड़े प्रोग्राम इत्थे उलीके जा रहे हैगे आ ते इन्हां धीआं दे जिहड़े विआह दे प्रोग्राम आ अज इत्थे उलीके जा रहे आ ते तुसीं देख सकदे आ ते किवें इत्थे सारे प्रबंध जिहड़े आ उह उलीके जा रहे कीते जा रहे हैगे आ। करीब 3-4 जिहड़ियां धीआं दे विआह अज इत्थे उलीके जाणे हैगे आ ते विआह दे नाल नाल उन्हां दे घरेलू वरतों दा जिहड़ा समान हैगा आ उह वी और जिहड़ा हैगा नाल जिहड़ा उह दित्ता जांदा हर साल। सो इह बहुत वड्डे समागम हैगे आ ते आपां अज इत्थे जिथे तुहानूं सारे जिहड़े समागम हैगे आ उन्हां दे जिहड़े मेन मेन काम आ हैगे आ किवें इह साडे काम नेपड़े चाढ़ने आ और जिहड़ियां पतवंते सज्जन जां नामवर शख्सियतां इत्थे हाजर होणगियां उहनां नाल गल्लबात करके तुहानूं आपां उहनां दा वी रूबरू करावांगे कि इह सारे प्रोग्राम किवें उलीके जा रहे हैगे आ, किवें सारे इह प्रबंध जिहड़े आ कीते जांदे हैगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडे नाल जौल फार्म विखे अज मौजूद ने बाबा गुरचरण सिंह जी, उन्हां नाल गल्लबात करांगे ते जाणांगे कि इह जिहड़े प्रोग्राम हर साल पिंदूजौल ते वर्ल्ड वाइड स्कोप वल्लों कीते जांदे आ उहनां बारे उहनां दा की विचार है ते की कहना चाहुंदे ने। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी हर साल जिहड़े प्रोग्राम कीते जांदे धीआं दे अज जिहड़े विआह कीते जा रहे आ की कहना चाहोगे जी? मैं सारी संगत नूं पहला तो तुहानूं आप संगत नूं वधाई देवां, अज साहिबे कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का अवतार पुरब दियां आप संगतां नूं करोड़ा करोड़ा लख लख मैं वधाई दिंदा हाँ। नाल मैं कहांगा जो जौल फार्म ते हर साल की तरह ये बहुत वड्डा पर उपकार है जी, इस पर उपकार की सलाघा अपनी रसना तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि पिंदू सिंह जौल जो इंग्लैंड दे विच वसदा है और 22 साल बाद अपने परत्या देश विच और फिर भी उस कार्यां उस प्रोग्रामां नूं चढ़दी कला विच लैके जांदे ने, जो अज बच्चियां दे आनंद कार्ज बड़ी श्रद्धा नाल कीते जा रहे ने। और मैं हरेक NRI वीरों ने बेनती करांगा ये वध चढ़ के पंजाब दे विच अपने देश दे विच ये पर उपकार करने चाहिए ने क्योंकि पिंदू सिंह जौल दे हिस्से विच ये वड्डी सेवा आई है। सतनाम सिंह जी बाड़ा और सहोता परिवार, ये तिना परिवारों दी सेवावां जिथे मैडिकल कैंप चलते पे ने, अखां दे कैंप चलते पे ने, ब्लड कैंप चलते पे ने, उत्थे अज बड़ी श्रद्धा दे नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अलाही बाणी दे भोग पाए गए ने। भोगों तो उपरंत और कुछ ही समय दे विच अज बच्चियां दे आनंद कार्ज कीते जाने ने और मैं सारे देशवासियों नूं ये दसना चाहुंदा वी ऐसे जिहड़े परिवार ने जौल परिवार इन्हां नूं वाहिगुरू चढ़दी कला विच करन जी, जो इदां दे कार्ज सदा करदे रहिण जी। कल भी एक बहुत वड्डे जिहड़े समागम कीते जा रहे आ 5100 धीआं दी लोहड़ी, धीआं नूं पुत्रां दे बराबर दर्जा देण लई जो पिंदूजौल और उहदी पूरी टीम आ सतनाम सिंह बाड़ा जिहड़ा परिवार आ तुसीं पिछले काफ़ी अरसे तों नाल जुड़े होए आ, की कहना चाहोगे जिहड़ा कल धीआं दी लोहड़ी पाई जाणी आ? मैं यही कहना चाहवांगा जो गुरु नानक साहब जी ने धीआं नूं और इसत्री नूं इन्ना माण दिता और इस परिवार ने पिंदू सिंह जौल सतनाम सिंह बाड़ा समुचे परिवार ने और गुरबाणी के उधार अनुसार ही ये जो पहला बच्चों मुंडिया दी लोहड़ियां पाइया जांदियां सन इस परिवार ने हिंदुस्तान पहली बार उपराला किया, जो पहला 2100-1100 साध संगत जी बड़ा वड्डा रिकॉर्ड है, जो 5100 कुड़ी की लोहड़ी जौल फार्म से कल पाई जानी है ये बहुत बधाई वाली गल है। मैं इस परिवार को जिते बधाई दिंदा हाँ, उत्थे मैं नाल ये भी मैसेज देना चाहता असी सारे इको जिहा परिवारां दे नाल बच्चियां दे बच्चियां नाल मान सम्मान रखिए, जिदा बच्ची का आपां बच्चे मुंडे का दिन मनाउंदे आ खुशी मनाउंदे आ लड़की का भी इस तरह दिन मनाया जाए, इस तरह जो पिंदू सिंह जौल ने इस हिस्से सेवा आई है मैं उन्होंने बधाई दिंदा, बहुत खुशी की गल। साडे नाल गल्लबात तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी, वाहेगुरू जी साहब, वाहेगुरू जी की फतेह। सो ये सन साडे नाल बाबा गुरचरण सिंह जी निर्मल कुटिया पंडवा तो, जो हर साल इन्हां सारे समागम जो भी वर्ल्ड वाइड स्कोप वालों
समाज भलाई के लोग भलाई का काम किए जाते हर साल नाल शमूलियत करते हैं बच्चा आप हाजिर होकर नाल काम करवाते हैं। तो इस तरह आप होर इतने जे पदवंते सज्जन ज नामवर शख्सियत आ रही हैं उन्होंने तो जानने की कोशिश करा कि ये जे हर साल समाज भलाई के लोग जे लोग भलाई का काम किए जाते हैं समाज में की सुनेहा देंगे साढ़े जे पतवंते सज्जन आ जा साढ़े नौजवान पीढ़ी आ उन्होंने कहड़िया जी चीज़ा उन्होंने तो सीखने की लड़ है वो सारिया चीज़ा अच्छ आप इतों जे पतवंते सज्जन ज नामवर शख्सियत जीडिया हाजिर होनगियां उन्होंने तो जानने की कोशिश करा। अज असी साढ़े छोटे भरा पिंदू जौहल जो कि वर्ल्ड वाइड स्कोप वेलफेयर सोसायटी के प्रधान ने इन्हां ने सानू अज इनवाइट किया सी। मैं उदा फस्ट टाइम आया करदे तां बड़े लंबे समय तो यह जिहड़े कि मानवता का जिहड़ा एक भला करने वाली चीज़ है वो बड़े लंबे समय तो करदे आ चलते आ रहे ने पर अज फस्ट टाइम आया मैं इत्थे इन्हां दे इस फंक्शन दे विच और इत्थे आके बड़ा मन नूं सुकून होया। एक बाबे नानक दी राह ते तुरन वाले लोग ने जिहड़े मानवता दे विच एक प्रेम और प्यार दी भावना रखदे ने क्योंकि अगर जिदा बाणी विच वी लिखिया वी जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो तो मेरा कहण दा मतलब यह है वी ये लोग अगर मानवता नाल प्यार करदे आ ते प्रभु नूं वी इह उन्ना ही प्यार करदे होणगे। सो मैं सारे अपने इन्हां भरावां नूं जिन्ने भी इस वर्ल्ड वाइड स्कोप वेलफेयर सोसायटी के मैंबर सवान ने उन्हां सारिआं नूं बहुत बहुत वधाइयां दिंदा वी तुसीं इह जिहा उपराला करके आम मानवता दे विच प्यार दा जिहड़ा संदेश देण जा रहे हो ये बाबा नानक हमेशा तुहाडे उत्ते चढ़दी कला च रखे और परमात्मा हमेशा तुहाडे अंग संग साई रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। जी नहीं देखो इतने बड़ी चंगी गल है मतलब इतना वधिया की हो नहीं तो क्योंकि समाज में एक सीध देने वाली गल है क्योंकि ता जो जिहड़ा ये वितकरा हैगा बेटे और बेटी का वो इस तरीके के जिहड़े तुसीं कम करोगे तो वो हौली 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 जिहड़ी हैगी है वो इस जिहड़ी वितकरेबाजी वाली चीज़ है वो खत्म हो जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी पहुँचे हाँ जौहल फार्म पिंदू जौहल अपने सतनाम सिंह जी बड़ा अमरीक सिंह जी सैनी जो कि हर साल की तरह धियां दी लोहड़ी मनांदे आ। सो अज बहुत गरीब लोग कुड़ियां दे ब्याह किए गए ते कल धियां दी लोहड़ी मनाई जाएगी। असी सारे ही शहर वासियों नूं सद्दा दिंदे आ ते धन्नवाद करदे आ पिंदू जौहल जी दा। थैंक यू वेरी मच। अज रूहां दे मेल होए ने परिवारां दे मेल होए ने बहुत बहुत मुबारकां जोड़ियां नूं मुबारकां उन्हां दे परिवारां नूं मुबारकां और जिन्हां सज्जना करके ये दर्शन होए आ उन्हां दा भी धन्नवाद। दोस्तों के दरमियान वजहे दोस्ती है तू वर्ल्ड वाइड स्कोप वेलफेयर सोसाइटी यूके यूके तो वैसे ना लिखा आ पर इन्हों का योगदान समाज सेवी कामों के सारी दुनिया च है तुम सारे जानते हैं। ये कोई दूजी संस्था नहीं हैगी चाहे इंडिया हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे कैनेडा हो चाहे करोना की सिचुएशन हो चाहे खूनदान कैंप हो चाहे फ्री डिस्पेंसरिया है चाहे समूहिक शादियाँ धियां की लोहड़ी हरेक साल और ये सोसाइटी 20 साल तो होंद दे विच है और तकरीबन 13-14 साल तो पंजाब दे विच भी आ रहे हैं और 22 साल बाद साडे वीर पिंदू जौहल यूके तो इस बार आप पंजाब भी परते हैं। एक बार फिर बहुत बहुत थोड़े मुबारक बहुत बहुत मुबारक नवे जोड़िया हमेशा खुश रहो एक दूजे के दिलों च वसो तो कल 5100 बच्चिया की लोहड़ी उत्थे भी समूह संगत ने हम हुआ के इस तरह शामिल होना उत्थे बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा उत्थे मैं आ रहा मनमोहन भाजी आ रहे हैं अनेक आर्टिस्ट होर आ रहे हैं तो तुम जरूर पहुँचना। एक बार फिर इस सोसाइटी का वार वार धन्यवाद पिंदू जौहल सतनाम सिंह वाड़ा
अमरीक सिंह सैणी सारे सज्जनों का वार वार धन्यवाद। परमात्मा तुहाडे दिल च यह जोत हमेशा जगाई रखे और मैं तो कहूँगा कि इहनूं होर प्रफुल्लत करे कि तुसीं समाज सेवी कम्मां दे विच होर भी वध चढ़ के हिस्सा लो और साडे वर्गियां रूहां नूं भी होर प्रेरित करो तां कि इहदे नाल होर सज्जण जुड़ते जाण। मेरे वल्लों सरकार वल्लों मनमोहन भाजी वल्लों बिंदू जौल होरां वल्लों अमरीक सैणी होर वालों सरदार सतनाम सिंह बाड़ा होर वालों आईया संगत गल कही है कि घर का फंक्शन आ जिहड़ी चीज़ दे विच बंदे दी रूह होवे ना वो मेरा ख्याल आ कि वह कदे भी उस काम नूं करन लई तुहाडा जोर नहीं लगता। इत्थे तक मैं कहना कि जे तुसीं काम भी इहो जिहा कोई करदे आ जिहड़ा तुसीं दिलों चाहुंदे आ करना तां फिर वह काम नहीं रहिंदा, फिर वह इबादत बन जाता है। और ये जिहड़ी वर्ल्ड वाइड स्कोप वैलफेयर सोसाइटी आ ये बहुत सालों तो दहाके तो 12-13 साल तो समाज सेवी कामों के अपना योगदान पा रही है। कल्ली पंजाब च नहीं पा रही क्योंकि जेडे पंजाब के वसनीक आ उन्होंने सिर्फ पंजाब का योगदान ही दिसदा आ, जेडे यूके दे वसनीक आ उन्होंने कल्ला यूके का ही योगदान दिसदा आ, जां जेडे कल्ली होर कंट्रियां दे विच आ उन्होंने उत्थे का योगदान दिसदा, पर सारी दुनिया के जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अपना योगदान पाती आ, चाहे वह फ्री डिस्पेंसरियां आ, चाहे वह इलाज आ, चाहे वह खूनदान कैंप आ, चाहे वह धियां की लोहड़ी आ, जां उह लोड़वंद परिवारां दे विआह आ, बच्चियां बच्चियां दे विआह आ। ते दूजी गल इह कि जिहड़ा हुण कल दा फंक्शन आ इह हरेक साल फंक्शन हुंदा आ, पर इस साल मैं इह जिक्रयोग गल हैगी आ कि बिंदू जौल सतनाम सिंह बाड़ा अमरीक सैणी यूके तो सोसाइटी दे जिहड़े तुसीं कह सकदे कि धुरे आ बिंदू जौल, वह 22 साल बाद इत्थे पंजाब आए आ। सो ऑबवियसली ये फंक्शन बाकी सालों नालों भी हुण प्रोमिनेंट ज़्यादा होना आ। तो मैं यही सद्दा दिना आ सारे सज्जणां नूं कि तुसीं हुम हुम आ के पहुँचो, धियां की लोहड़ी कल नूं 5100 लोहड़ी पैनी आ धियां की, तो बहुत सारे कलाकार आ रहे, मंगी माल होरी इत्थे पहुँच रहे, देवी मखसूसपुरी होरी पहुँच रहे आ, मेरे बड़े भरा मनमोहन वारस जी पहुँच रहे आ, मैं खुद इत्थे पहुँच रहा, होर भी बहुत आर्टिस्ट इत्थे पहुँच रहे आ। और दूजी गल ये आ कि असी ये जिहड़ी बराबरता साडी समाज की मैं कितें ना कितें वेखदा रहिंदा आ कि शिव ने लिखिया सी किहड़े देश दित्ती ती बाबला होए, जिथे लोगों नूं दुख की सार है ना, पिंडे वेचने ते पिंडे मुल लैने, हड मास तो वध व्यापार है ना कोई ना। मैं कहना कि जिहड़ी बराबरता आ उह तां ही होणी आ जे जद तक खास करके मुंडे ये समझण कि कुड़ियां नूं बराबरता मिलनी चाहीदी आ। सो इस करके इहदे विच हर एक बंदा हर एक वर्ग इस फंक्शन का हिस्सा बने ता कि ये जिहड़ी बराबरता साडे समाज दे विच आ उह कल्ली लफ्ज़ां दे विच ना होवे, उह क्रियात्मक रूप दे विच भी होवे। सो कल नूं तुसीं हुम हुमा के सारिआं ने पहुँचना, 5100 बच्चियां की लोहड़ी इत्थे जौल फार्म दे विच ही होनी आ। एक बार फिर वर्ल्ड वाइड स्कोप वैलफेयर सोसाइटी का कोट कटान बार धन्नवाद ये समाज सेवी काम करन दे लई। सत श्री अकाल।
डीआईटी सरदार सुरेंद्र सिंह सैनी जी का भैन जी उन्होंने जो इतने आए हैं उन्होंने असं धन्यवाद करते हैं। साड़िया भैन जर्मनी तो कनेडा तो इतने आई हैं बेबे का टीम बैठे जिन हाजिर ने एडवोकेट अश्विनी कुमार जी तो उन्होंने भी अज के सारे जो प्रोग्राम आखे है अश्विनी कुमार जी अज बहुत बड़े जो समागम है कहते धी एक तोड़नी बहुत औखी आ बिंदू जौल वर्ल्ड वाइज जी स्कोप संस्था हैगी अज चार धियां के विह जो किए लोड़बंद परिवार ने की कहना चाहोगे तो की महसूस किए जाके सानू बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि ये कार्यों के असी आप भी हिस्सा ले रहे हैं तो साड़ी जी संस्था हैगी वर्ल्ड वाइड स्कोप बिंदू जौल बाड़ा परिवार सहोता परिवार इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उपरालिया के सारे इकट्ठे होके ये जड़े चार शादियां अज आनंद कारज गुरु महाराज की हजूरी दे विच कीते गए आ ते हर एक दे खुशी यानी कि फेस ते आई हर एक बंदे ने इस जड़े कारज या जी सोसाइटी वालों करा रहे हैं इन्हां नू सराया कि इस तरह के कारज लोड़वंदा दे लई होने चाहिए है ते तां जो जड़ा हर एक बंदा आ वह एक अपने आप नू समझे कि समाजिक संस्थावां जड़ियां हैगियां आ वह साढ़े नाल मोढ़ा नाल मोढ़ा ला के चलदियां है। 12 साल हो गए ये जो कार्य चलद की मैसेज की है कि पिछले कि कोई भी काम करते हैं वो पिछले एक सिद्धांत होंगे की मकसद की है इन्हें सारे देखो इन्हों का मकसद यही है कि कई चीज़ा अपने समाज के सरकार भी कर दया है कुछ चीज़ा रह भी जागियां आ चीज़ों साड़ी एक जिम्मेवारी बनती हैगी आ कि सानू हर एक लोड़वंदी सहायता लई जिस तरह साड़ी सोसाइटी आ कोरोना महामारी के उपर हुण आई डोनेशन आई कैंप्स लगे हैगे आ ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैगे आ उस तो बाद कल जी बहुत वधिया समागम हो रहा आ कि बच्चियां दीआं लोहड़ियां पाईआं जाणीआं आ उन्हां दा मकसद ही यह आ कि जिस तरह अज आनंद कारज होए आ कि असीं किसे तरीके दे नाल गरीबां दी सहायता कर सकीए जे आई कैंप दे विच तुसीं इह देख लो कि तकरीबन 600 बच्चिआं लोकां ने अपनी जिहड़ियां आई चैकअप करवाईआं ऑपरेशन भी इन्ने वड्डे पद्धर ते होए आ कि गरीबां दी जिन्नी भी मदद हो सके आ समाज दे हर पक्ष नूं यानी कि आपां उपर चक्कीए कि उन्हां नूं चंगा लगे कि साडी भी हैल्प हो सके उस तो बाद जिहड़ा कल जिहड़ा समागम हैगा आ फीमेल फोर्टिसाइड मेल फीमेल डिस्क्रिमीनेशन नूं जिहड़ा खत्म करन दे लई जिहड़ी साडी समाज की लोड़ आ उन्हां जिहड़े समाजिक चीज़ां नूं जिहड़ी जिहड़ी लोड़ आ उन्हां नूं असीं अपने वल्लों चाहुंदे आ कि वह चीज़ों जिहड़ा खत्म किया जाए कि इदां दी हैल्प करके जां किसी तरह सहयोग दे के ते वधिया समाज की जिहड़ी सिरजणा जिहड़ी हो सके। आपां देखिया तुसीं हुण सरकारां दा जिक्र कीता आ बहुत सारियां घाटां आपां देख साडे समाज विच हैगी हुण इत्थे आपां समागम देखिया पिछले हफ्ते तो चल रहे हैगे आ खूनदान कैंप लगाया बला अपने वो नाल नाल अखां दे ऑपरेशन कैंप लगे आ अज धीआं दे विआह कीते गए कल धीआं दी लोहड़ी पाई गई आ की कारण हैगा कि समाज दे विच साडे च इक बराबरता दा जिहड़ा जां कह दईए गरीब तबका हैगा उहदे तक की सरकारी सहूलतां प्रोपर नहीं पहुँच रही जां इहनां जिहड़ा समाजिक कम्मां दे विच सरकार नूं आप इनवॉल्वमेंट करके सहयोग करन दी लोड़ है। देखो कि साडा जिहड़ा मनणा इह हैगा आ कि जिद्दां अपनी कंट्रीज़ हैगियां आ इहदे विच देखो आपां हर एक चीज़ दे विच सरकार दी जिम्मेवारी तय करी जाइए कि सरकार साडे लई आह नहीं करदी आह नहीं करदे इहदे चीज़ां चली जांदियां आ पर जिहड़े साडे समाजिक जिहड़ा साडा खासकर दुआबे दा समाज आ ना ਇਹ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੇ ਨਾ ਪੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ
समाजिक संस्थावां नूं ना एक हल्लाशेरी दे के रखे, इन्हां नूं पावरफुल करे तां जो ये जिहड़ियां छोटियां छोटियां जिहड़ियां आपां नूं लगदा आ कि साडे समाज दे विच जिहड़ियां थोड़ियां बहुत घाटां हैगियां है ना, इन्हां नूं अपने आप ही नहीं चक लेना हैगा आ। मेरे सवाल दा मेन मकसद इही सीगा वी इह जिहड़े अड्डे वड्डे वड्डे करोड़ां रुपए दे खर्च करके समाज सेवी संस्थावां जिथे काम करदियां दे उहदे विच सरकारी सहायता जां सरकारी योगदान वी पैल जावे उहदे नाल बहुत वड्डा हुंगारा मिलदी आस हुंदी। इह तां बिलकुल तुहाडी गल खालसा जी हैगी आ, पर लोड़ तां बहुत चीज़ां दी हैगी आ, पर सानूं इहदा लगदा कि जदों जिस तरह ये साड़ी सोसाइटी कर रही है, इस तो अलावा होर भी जिहड़े लोकी उत्साह हो के इस साड़े ना सोसाइटी नाल भी जुड़ के जां किसे होर भी अपने तरीके नाल समागम करा के ये जिहड़ियां चीज़ां समाज दे विच चल रही हैं इन्हां नूं होर अगे सरकारां वल सरकार नूं भी इहदे विच हल्लाशेरी देनी चाहीदी है। इस करके आपां चाहुंदे हां कि इस चीज़ां नूं उत्साह देना चाहीदा हैगा। कल ये सारे समागमां दा इक जिहड़ा पकैदी वे इक समाप्ति समारोह हैगा पकैदी फाइनल आ तरह दा, कल दा कल दे की प्रोग्राम है ते उहदे विच की है? कल दा जिस तरह पुराने काफ़ी लंबे समय तो बच्चियां दी लोहड़ियां पाई जांदियां हैगियां उन्हां तरह के समागम है, इस दे विच समाज के हर एक खेत्र तो जिहड़े पहलां भी शिरकत लोकी करदे रहे आ, चाहे राजनीतिक लीडर हो गए साडे पुलिस डिपार्टमेंट्स तो हो गए, उस तो अलावा हर एक समाज के हर बंदा जुड़ना चाहता है, जां असीं उन्हां नूं पहलां भी आउंदे रहे आ, उस तरह का समागम आ, डे टाइम का समागम हुंदा आ, ते जड़ियां हर एक तरीके ना असी यही गल कहने कि बच्ची उन्हां बच्चियां नूं जिहड़े आशीर्वाद देण हर एक बंदा आवे ते इह जिहड़ा समागम है वधिया तरीके नाल कल असी संपन्न करके ते अगले साल वास्ते होर नवीं आसां दुआवां तुहाडियां लै के होर अगे वधीए। सो साडे नाल गलबात करन तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। सो इह सन साडे नाल मेन प्रबंधकां दे विचों एडवोकेट अश्विनी कुमार जी, जिन्हां ने सानूं दस्सिया कि हफ्ता भर जिहड़े इह समागम चले आ बहुत सारे लोकां ने इहदा लाहा लिया आ, मेन मकसद ये है भी जिहड़े कुछ कारणां करके साडे समाज के जिहड़े मेन विकास के विचों पिछड़ जांदे वर्ग हैगे आ उन्हां नूं इक हौसला दिता जाए, उन्हां नूं नाल दा अगे वधन दा जिहड़ा उह मौका दिता जाए। सो कल दे बहुत वड्डे जिहड़े समागम उह अजे बाकी ने, अज चार धीआं दे जिहड़े आ उह ब्याह कीते गए हैगे आ ते उन्हां दे नाल नाल ब्याहां दे नाल जिहड़ा उह पूरा परिवार दा समाज हुंदा समान हैगा परिवार दा वह भी नाल जिहड़ा उह दान कीता जिहड़ा दान उह कीता गया। इस दे लई जिते वर्ल्ड वाइड स्कोप की पूरी संस्था पिंदू जो सतनाम बाड़ा इन्हां दे पूरे परिवार वधाई दे पात्र आ ते आस करांगे कि भविख विच भी इहो जिहे जिहड़े उपराले आ धीआं दे जिहड़े कन्या दान जां धीआं दे जिहड़े ब्याह इहो जिहे उपराले करदे रहिण। कल जिहड़े आ उह वड्डे जिहड़े इन्हां सारे समागमां दा जिहड़े आपां कह दईए फाइनल जिहड़ा आ जां समाप्ति समारोह कल जिहड़ा उह कीता जा रिहा, जिहदे विच 5100 धीआं दी लोहड़ी जिहड़ी उह पाई जाऊगी, जिहदे विच इलाका भर दे विचों नामवर शख्सियतां इलाका भर दे लोक मन्ने परमन्ने जिहड़े गायक आ वह भी आके शमूलियत करके अपनी हाजिरी लवाउणगे। साडे नाल इह वीडियो देखने तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।